हजरात मोहतरम, अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ क़िबला पीर महमूद उद्दीन लड़ी शरीफ साहब वाले कि वो अपने कलमात से हमको नवाजें। जनाब मोहतरम महमूद उद्दीन लड़ी शरीफ साहब। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब और जनाब मेरे बड़े ही मोहतरम ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब रजा साहब कोट मिठन शरीफ, मैं बड़ा ही मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये बेहतरीन और उम्दा इत्तेहाद में शामिल करने की दावत दी और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि यहाँ पे आके देखा मैंने। और बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी कि हमने जो इसको पस मंज़र में देखा कि पाकिस्तान बना ला इलाह के नाम पे और हम सब इकट्ठे होकर इस खत्ते को बनाया, तुम्हारा मकसद क्या था? निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम करना। हमने बना तो लिया लेकिन हम इसको चला ना सके। हम चलाने के लिए हमने जो हाथों को दिया उन्होंने ये आज हमें बिल्कुल तकसीम करके रख दिया और हमारी कई जमातों को जमातें बना दिया। आज ये ज़रूरत इस अमर की है कि हम जमात इस्लामी के साथ मिल के तमाम खानकाही निज़ाम को मिल के एक खूबसूरत इत्तेहाद के साथ इस पाकिस्तान मुल्क को इस्लामी नज़रियाती निज़ाम मुनसफा पे चलाएं। बन तो गया, अब चल नहीं रहा क्योंकि हमें बांट दिया गया। हम बहुत बट चुके, हम बहुत कट चुके, अब हमें मिल के कुछ करना है। ना ही बटना है और ना ही कटना है। मैं सबसे ये इल्तिजा करता हूँ बहुत ही छोटा और अतना कि हम जो नस्लें हमने देख ली और 60 साल में हमने तजर्बे कर लिए, अब हम आगे आने वाली नस्ल को जो दें वो बेहतर और बेहतर बेहतरीन दें। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी मुल्की मामलात में चीज़ें जब वाकयात होते हैं तो हम किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक मैच होता है और सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, हर सोच एक हो जाती है। तो आज हमारे शऊर का मैच है, हमारे शऊर पर हमले हो रहे हैं और हमारे शऊर को मैच को जीतना है और हम क्यों ना इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो के हम आगे चलें और एक दूसरे को बाहमी इत्तेहाद के साथ मिला लें। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि आज जो ये कोशिश और काविश की गई है इसको दवाम हो और जो फासले कम किए गए हैं इसमें कुर्बत और मोहब्बत ज़्यादा, मोहब्बत ज़्यादा होगी तो शिद्दत कम होगी और शिद्दत को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन सूफिया का पैगाम मोहब्बत है। तो मोहब्बत को आम करें और इसको आगे लेके चलें। मेरी इतना सी ये गुजारिश है और इल्तिजा है आप सब से, इतनी बड़ी बड़ी खानकाहों से, इतने बड़े बड़े खानवादे, इतने बड़े सियादगान मौजूद हैं, मेरी सिराजुल हक साहब से भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब रजा साहब से भी, कि इसमें दवाम हो और गाहे बगाहे हम इसको ले के चलें और आगे चलते जाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी अता करें। मैं बेहद मशकूर हूँ क्योंकि ख्वाजा मेरे ख्वाजा भी हैं और मेरे मुइन भी हैं, मेरा दीन भी है और मेरे महबूब भी हैं। मांगता शाहों